जी टीवी के फेमस शो तेरे बिना जिया ना जाए में मच गया है हंगामा। कृषा छोड़ रही है अपना ससुराल, आखिर क्यों नहीं है उसे अब देवराज पर विश्वास। आइए आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है इस राजमहल में। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि कृषा छोड़ रही है अपना ससुराल क्योंकि उसने भांडा फोड़ दिया है प्रेगनेंसी का और उसकी इस बात पर पहले किसी को नहीं था विश्वास, लेकिन अब जब ये बात पूरे परिवार के सामने आ गई है तो कृषा ने मन बना लिया है राजमहल छोड़ने का, क्योंकि उसे लगता है कि परिवार को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए जो घर के बाकी सदस्यों को नहीं है उस पर। हमारी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है, पहली और इकलौती प्रायोरिटी है हमारे लिए। ये तो गलत है, ये तो बराबरी नहीं है, प्लीज हमें जाने दीजिए, क्योंकि फिर कुछ होगा, फिर कोई बात उठेगी और फिर से आप हमारे रिश्ते, हमारे हमारे प्यार को दांव पर लगा देंगे। कि कोई सुनने का जेवर नहीं है देवा से, हर बार मुसीबत पड़ने में इन्हें गिर भी रखते कि मंगलसूत्र की तरह पवित्र होता है, इसलिए आप और परेशानी दे पाएंगे। क्योंकि इस बार अगर हम यहाँ रुके ना, टूट जाएंगे और हम अपने साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकते। अगर अपने साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी करें ना, तो और लोगों से क्या उम्मीद करेंगे। शायद हमारा साथ यहीं तक का था। कृषा बेटा, ठीक ही तो कह किसी और की केक की सजाएं नहीं दीजिए, हम आपसे कह रहे हैं प्लीज कृषा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रुक जाए। देवराज की लाख कोशिशों के बाद भी कृषा अपने इरादों से टस से मस नहीं होती है। इस परिवार से देवराज से दूर जाने का फैसला कर रहे हैं। आइए खुद कृषा से जानते हैं इस राजमहल में हो रहे हंगामे के बारे में। वजह तो इतनी सारी है, आई थिंक इसीलिए इस पॉइंट पे पहुंची है कृषा, वरना कृषा गिव अप करने वालों में से है नहीं, रिलेशनशिप पे, प्यार पे। और देवराज से प्यार तो बहुत है, लेकिन इससे जस्ट पहले एक सीन गया है जहाँ पे रो रो के मेरे आंसू ख़त्म हो गए हैं। सो मैं अपने आप को 5 मिनट देती हूँ कि जितनी यादें रखनी है, जितने आंसू बहाने बहा लो, बिकॉज उसके बाद तुम एक आंसू भी नहीं बहाने वाले हो। क्योंकि सब लोगों ने कृषा को इतना टेस्ट कर लिया है इस घर पे, सारी लिमिट्स क्रॉस हो गई हैं। सो कृषा इज़ मेड अप हर माइंड कि अब कुछ भी हो जाए, मेरे लिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। मतलब अगर जहाँ पे प्यार नहीं है, जहाँ पे इज्जत नहीं है, वहाँ पे रुक के कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई मेड अप माई माइंड कि मैं इस राजमहल से चली जाऊँगी। ऐसा नहीं है कि उसे नहीं पता कि देवराज उससे प्यार करते हैं, ऑफकोर्स देवराज उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन क्या करें उस प्यार का जहाँ पे यू नो इज्जत ना हो, भरोसा ना हो। आई थिंक ट्रस्ट एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हर बार आपको अपना वर्थ, अपना यू नो स्टैंड, अपना सच को प्रूव करना पड़े, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए कृषा ने ये माइंड सेट कर लिया है। और जो फील करिए कृषा, एक्चुअली इट्स अबाउट कि जीतने के बाद भी कुछ जीता जैसा नहीं लगता। इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग वेयर उसको अपना सच निकालना था बाहर, सच सबके सामने लाना था, वो हो गया है। लेकिन उसके बाद भी शी इज़ लॉस्ट एवरीथिंग। वो ये राजमहल से बाहर जा रही है, उसने ये परिवार खो दिया है, उसने देवराज सर खो दिया। सो इट्स लाइक अ लॉस्ट विक्ट्री। देखिए राइट नाउ जो स्टेट ऑफ माइंड है कृषा का, डेफिनेटली वो देवराज की सिर्फ बातों से तो नहीं मानने वाली है। क्योंकि जब कॉन्स्टेंटली इतना टेस्ट हो जाता है, तो सिर्फ वर्ड्स मैटर नहीं करते हैं। आगे जाके शायद अगर देवराज ऐसे एक्शंस लें, यू नो एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, सो अगर आगे जाके उन्होंने ऐसा कुछ किया जहाँ पे मुझे लगे कि यू नो उनको सच में समझ में आ गया है, मेरी वैल्यू समझ में आ गई, माइट चेंज माई माइंड। बट राइट नाउ जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, डेफिनेटली मैं किसी के लिए भी चेंज नहीं करने वाली हूँ।
अब क्या कृषा वापस राजमहल लौटेंगी या नहीं, क्या देवराज रोक पाएगा कृषा को घर ना छोड़ने से, ये तो हमें शो के मेकर्स ही बता पाएंगे। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि शो में जल्द ही आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट।